कमल आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, जैसा अभी ये बात कर रही हैं, मैं देख रही हूँ कि आप एक वेस्टर्न कंट्री से आई हैं और वहाँ पर आप वेस्टर्न कैरी करती थी, यहाँ पर आकर आपको दुपट्टा को कि आपको बहुत सूट करता है, आप लेती हैं, आप बहुत प्यारी लगती हैं, बट यू हैव टू कैरी दैट वे लाइक द कल्चर हेयर इन पाकिस्तान, तो क्या आपको किसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, जैसे आपकी अपनी ख्वाहिश थी, क्यों आपको अपना लिबास जो है वो बदलना पड़ा? देखिए, एक तो मैं जब वापस आई तो मैंने आपको जैसे कहा कि थोड़े बहुत चैलेंजेस जो बाहर मुझे नहीं फेस करने पड़े थे, मुझे उनका सामना करना पड़ा। आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ डिफरेंस, आई वॉन्टेड टू क्रिएट, क्योंकि मैं अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बदल नहीं सकती। अच्छा, पर्सनैलिटी से एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग आपको कंपैरिजन करते हैं श्वेरिया राय के साथ भी, और उस मतलब आप लगती भी हैं गो के, आई नो कि यू डोंट लाइक इट, बट आपको लोग करते हैं कंपेयर उसके साथ भी, तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करती होगी। मुझे प्रोफेशनली कभी फ़ायदा हुआ नहीं, मुझे इस चीज़ से मेरा देखिए, दो लोगों की शक्ल मिल सकती है, मुझे जो इस चीज़ से बुनियादी मसला होता है वो ये कि हम ना औरतों के लुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एग्जैक्टली, औरतों के लुक्स की डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा होती है, औरतों की पहचान उनके लुक्स की वजह से होना शुरू हो जाती है, विच इज़ अ फंडामेंटल, वहाँ पे मुझे फंडामेंटल मेरा डिफरेंस है कि भाई अ वुमेन इज़ अ लॉट मोर देन हर लुक्स। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अ वुमेन इज़ अ लॉट मोर देन हर लुक्स, तो टू रिड्यूस हर डाउन, एक इंसान का एक ऑब्जेक्ट साइड होती है और फिर एक इंसान की एक इंडिविजुअल साइड होती है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका कैरेक्टर होता है, उसके स्किल्स होते हैं, उसका एम्बिशन होता है, उसका सोल होता है, उसका कैरेक्टर, सो दिस दैट इज सो मच मोर देन दैट ऑब्जेक्ट दैट यू आर, सो टू रिड्यूस हर डाउन टू दैट ऑब्जेक्ट इज एन इंसल्ट टू दैट वुमेन, आई थिंक। तो दैट्स द थिंग दैट आई वॉन्टेड, एक तो ऑब्वियसली इस्लामिकली भी मुझे लगा कि दिस इज अ बेटर वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ, एडिंग वन मोर थिंग इनटू इट कि वाज द इसका एक और रीजन भी था कि जस्ट बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेंसी, मेल चौबिनिज्म इन पाकिस्तान, स्पेशली इन दिस पंजाब, यू हैड टू कैरी इट ऑफ। नहीं देखिए, एक तो मैंने कहा कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी आई थॉट दिस वाज अ बेटर वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ, मगर उसके अलावा ये भी था कि आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ डिफरेंस, क्योंकि मेरी आई एम एन ओपन पर्सन, आई टॉक cordially with everybody. I cannot change myself too much. I cannot become too assertive or too aur jis tarah ki field mein main hu, I have to deal with men day in day out. To mujhe aise laga ki there has to be some sort of a jo perception hai na hamare mulk mein aadmiyon ka, aur maine bahut acche aadmi hai by the way, bahut, I have come across men who are really really amazing, really nice, really decent. They're both sides of the coin, magar मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिनके मैं आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग देम टू हैव अ सर्टेन, जैसे कहते हैं आपके बारे में एक परसेप्शन हो जाता है जस्ट बिकॉज यू आर प्रेजेंटेबल या आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, एक लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन आ जाता है आपके बारे में, तो मुझे ऐसे लगा कि वो परसेप्शन तो गलत है और उस परसेप्शन को मुझे चेंज करने के लिए एक डिफरेंस क्रिएट करनी है, so that was also one of the reasons that I started covering myself so properly. So we can say that you can be relatable with the caller as well. Can I put yes, please, please. Yes, please. What happens is in Pakistan, she's right, absolutely right. We have to put people in boxes. You know, we have created certain images, like if somebody is wearing jeans, she's modern. If somebody is wearing a hijab, she's like this. So what happens with me is for the last 35 years that I've been working is people can't put me in a box. I'm a very modern lady who would wear jeans and tops and, you know, then go and say namaz. Wear a big dupatta and say namaz. Now, people really get confused. How to talk to me? Is she a modern woman? Is she an outgoing? I would laugh and talk and share jokes with men. And then I would go. At the same time, she does her namaz. Now, anyone who's saying namaz in a public place, everybody, I asked women why they are not saying namaz. They would like, hum ghar jaake pad lenge. Kyunki yahan to achha nahi lag raha mardon ke beech mein. But it's a first thing. If you're in an office for 8 or 10 hours and you're missing your namaz because you are forced by the men not to say your namaz, create a corner for yourself. It's a farz. Do it. So they got shocked. Bilkul theek baat ki, because I would also like to add another point in it. Ki if a woman is doing modern dressing according to the eye lens of a man, exactly, so he would actually think twice ke what sort of personality she is, which is a problem. And do you get such clients? फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है वो कहीं पर जॉब कर रही है और उसका जो बॉस है वो मेल है,
तो वो उनसे मतलब बात कर रही हैं या उनसे फ्रैंक होकर, कुछ लोगों का बिहेवियर ही प्लेजेंट होता है तो वो जब बात करते हैं उनको भी इर्द गिर्द के लोग जज करने लग जाते हैं कि शायद शी इज बिकमिंग फ्रैंक टू गेट अ प्रमोशन और समथिंग, ऐसे भी कुछ मामला आते हैं आपके पास? कवल ने कहा बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो फ्रेंडली होते हैं, उनकी वाइब एक अच्छी फ्रेंडली वाली होती है, इट डजंट मीन कि दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोवाइड यू यू नो सब्सटेंस सम ऑप्शन और सम स्पेस, तो उसमें मसला ये कि क्योंकि अगेन मैं कह रही हूँ कि हमारे माशरे में मॉरल वैल्यूज की, एथिक्स की, वर्क एथिक्स की अभी तक कमी है. जब तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं होगा कि वर्क प्लेस पे आप किस हद तक किसी को के साथ फ्रैंक हो सकते हैं, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो उसका तरीकेकार क्या है, ग्रूमिंग नहीं होगी जब तक मॉरल वैल्यूज इनकॉर्पोरेट नहीं होंगी तब तक चीजें खराब होती हैं. देखिए मैरिड औरतें जो होती हैं या जो मदर टू बी होती हैं उनको मैटरनिटी लीव जब लेनी होती है वहाँ पे बहुत चैलेंजेस आते हैं, और ऑब्वियसली पूरे 9 months नहीं ले सकती, जब शुरू के महीने आ रहे हैं या लास्ट मंथ्स में आ रहे हैं तब भी बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें कि हाउ डू दे कैरी देमसेल्व्स, और तो और जो इर्द गिर्द का जो माहौल है एक वो एक अलग ही प्रॉब्लम है, उनको कैरी कैसे करना है, उनको कितनी फैसिलिटीज अवॉइड करना है. अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं और अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगी कि बिकॉज ऑफ देयर आर मैक्सिमम वुमेन हु आर वर्किंग बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एट देयर होम्स, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी ख्वातीन भी हैं जो कहीं ना कहीं ख्वातीन के लेबल को भी मिसयूज़ करती हैं. मैं अपने मेल व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने एनवायरनमेंट में ऐसे भी कोई मामला पेश आए जिनमें आप हरास हो रहे हो तो यू कैन ऑल्सो कॉल अस एंड ऐड योर कमेंट इन दैट. तो कमिंग टू यू मैम, जिस तरह आप अभी जिक्र करी थी कि क्योंकि आपके पास एज हम जैसे हम अभी काफ़ी देर से यही बात करें कि हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, कभी किसी मेल की तरफ से भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई है कि वो फीमेल से हरास हुआ? जी लेकिन ये बहुत रेयर है, हमारे माशरे में परसेंटेज बड़ी लो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत कम है. ऐसी जगह पे जहाँ फीमेल बहुत डोमिनेटिंग पोजिशन में हो और बहुत कोई एक आध, लेकिन औरतें तो बेचारी, बट आई थिंक इज कि शायद कोई फीमेल हो कि जो हरास ना हुई हो, जो जॉब कर रही है. हरास मीन्स के ये नहीं है कि उसको कोई पकड़ के ले गया हाथ से, तो ये कि आप जैसे कुरान में है ना, अभी कुरान की बात हो रही थी. अच्छा दो चीज़ें मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ. आई हैव स्टडीड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ना, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा हुआ है बहुत. इस्लाम में मर्दों के लिए कुरान में लिखा गया कि मोमिन मर्द अपनी नजरें नीचे रखें. मोमिन औरतों को अपने तो बेचारियों ने अल्लाह को भी पता है कि उन्होंने तो पहले ही अपने आप को छुपा के रखना है. बिल्कुल. उन्हें सिर्फ यही है कि अपने आप को कवर्ड अप रखे, फेस कवर नहीं कि आपका जो बॉडी कवर है ना उसे कवर रखे. अच्छा मैं आई एम कमिंग बैक टू यू, वी जस्ट हैव अ कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आयशा बात कर रही हूं. जी जी आयशा फरमाइए. मेरा सवाल है कि मैं काफी अरसे से ना एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सेम हम लोगों की फील्ड है और सेम ही पोजीशन है हमारी तो. लेकिन अब मसला ये है कि उनकी सैलरी ज्यादा है और मेरी सैलरी कम, तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन आप दोनों का. हेलो, आपका डेजिग्नेशन सेम है? जी डेजिग्नेशन सेम है लेकिन सैलरी डिफरेंट है और एक्सपीरियंस. जी जी कंटिन्यू करें. जी मैं, मेरा एक्सपीरियंस भी सेम है और डेजिग्नेशन भी सेम है लेकिन हम लोगों की सैलरी जो है ना दोनों की डिफरेंट, मेरी कम है उनकी ज्यादा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? नहीं तो आपके वर्क एक्सपीरियंस कितने हैं आपके हस्बैंड का और आपका? मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है. जितना भी है बस वो ये बता रही है कि सेम है. कमल आपसे जानना चाहूंगी कि आप देखें कि जिस तरह वो बता रही है कि एक डिस्क्रिमिनेशन है सेम, वैसे होता बहुत रेयर है कि हस्बैंड वाइफ वर्किंग इन अ सेम इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड देन सेम लाइक वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ और उसके बाद आपकी सैलरी डिफरेंट है, ऐसा क्यों? ये तो बिल्कुल कॉमन है, बहुत कॉमन है. हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही कि सेम काम, मगर और एक ही लेवल पे पोजिशन पे जब मेल और फीमेल होते हैं अक्सर फीमेल की सैलरीज आर लोअर. जैसे हमजा साहब भी कह रहे थे कि पूरी दुनिया में ये है, बाय द वे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है. और मैं बहुत सारे लोगों को हायर करती हूँ, फीमेल्स को भी हायर करती हूँ, मेल्स को भी हायर करती हूँ. मैंने देखा है कि जो मेल्स हैं वो अपने आप वो बहुत ज़्यादा निगोशिएट करते हैं आके. वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो निगोशिएट करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो यहाँ पे ना, उन्हें लगता है वो यहाँ पे, वो अपने आप को परसीव यहाँ पे करते हैं और वो अपने आप को सेल यहाँ पे करते हैं. और औरतें जो हैं
वो थोड़ी सी मैं हेस्टी जनरलाइजेशन जरूर कर रही हूँ यहाँ पे, मगर मैंने जनरली ये देखा है औरतें जो यहाँ पे होती है अपने आप को सेल यहाँ पे कर रही होती है और वो अपने उस तरह से अग्रेसिवली नेगोशिएट नहीं करती, अपने आप को अंडरएस्टिमेट करती हैं, औरतें अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं, अंडर वैल्यू करती हैं, इतना अग्रेसिवली नेगोशिएट नहीं करती हैं। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आपको एग्जैक्टली फिर क्या किन चीजों को फॉलो करना चाहिए बीइंग अ वुमन? आई थिंक बीइंग अ वुमन सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे। सबसे पहले यू शुड नो हु यू आर, यू शुड नो व्हाट योर वर्थ, यू शुड नो व्हाट योर वैल्यू इज, व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। पहले जैसे डॉक्टर शिवाना कह रही थी कि ठीक है अगर आप औरत हैं और आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते जो आपके मेल कॉलीग कर सकते हैं, वो एक और बात है, मगर इफ़ यू फील कि आप योर इक्वल आप कंट्रीब्यूटर हैं, आप उसी तरह कंट्रीब्यूट कर रही हैं, देन यू शुडंट बी पेड लेस, यू शुड नो योर वर्थ एंड टेक अ स्टैंड फॉर इट। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है औरत को अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है। इफ शी इज वर्थ इट एंड शी इज गिविंग दैट डिजर्विंग। सेकंडली व्हाट शुड बी योर ड्रेस कोड, लाइक इफ यू आर गोइंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन इंटरव्यू, तो आपको ड्रेस किस तरह का कैरी करना चाहिए? आई थिंक ड्रेस कोड में इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ, कि जिस तरह आपका जो यूनिक स्टाइल है। अभी देखें हम चार लोग इधर बैठे हैं, बल्कि छह लोग इधर बैठे हैं और यहाँ पे सबका अलग एक ड्रेसिंग स्टाइल है। सब बिल्कुल एवरीबडी इज ड्रेस्ड वेरी डिसेंटली, एवरीबडी इज लुकिंग वेरी नाइस और सबकी अपनी ग्रेस है, और सबकी अपनी ग्रेस है। तो ऑथेंटिक, एक तो यू हैव टू बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। जाहिर है अगर आपका कहीं पे यूनिफॉर्म है, आपने यूनिफॉर्म पहना है, जैसे इन्होंने सिस्टर का यूनिफॉर्म पहना, तो जो यूनिफॉर्म है वो तो आपने यूनिफॉर्म पहनना ही पहनना है। मगर अगर आपका यूनिफॉर्म नहीं है तो बी ऑथेंटिक। मैं अमेरिका में भी थी या जब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी थी, तो आई यूज टू ड्रेस अ लिटिल डिफरेंटली। मैं उस तरह नहीं ड्रेस करती थी जैसे बाकी लोग, बाकी औरतें ड्रेस करती, बिकॉज़ आई वाज ऑथेंटिक टू माई सेल्फ। मुझे पता है कि मैंने अपने वैल्यूज को भी रखना है, अपने जो मेरी जो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं इन द वे what I can show, what I cannot show, I have to take care of that as well. तो अब मैं एक कंपनी में CEO, दूसरी कंपनी में चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, जो भी, I still wear all this, ठीक है, I wear this चादर, I wear this दुपट्टा, this is how I carry myself, so I'm authentic to myself. You should be dressed decently. एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहूँगी कि when you're in Roman dress, like the Romans की वाली बात, कि मुझे, मैं एक केस आपको बताती हूँ। दुबई में एक केस हुआ एक कंपनी, बड़ी कंपनी में, जहाँ पे ये हरासमेंट का केस था, जहाँ पे आदमी, द मेल पर्सन ओपन्ड अ केस फॉर हरासमेंट अगेंस्ट हिज फीमेल कॉलीग, बिकॉज दैट फीमेल कॉलीग वॉज ड्रेसिंग वेरी इनअप्रोप्रिएटली एंड सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उसने ये केस खोला कि आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, आई कैन नॉट वर्क लाइक दिस व्हेन शी इज ड्रेस्ड लाइक दिस, एंड इट वॉज अ वेरी, आई एम क्लोज टू दैट केस बिकॉज इट वॉज मेरे उसमें, आई वाज वन ऑफ द एडवाइजर्स, बट आई रिमेंबर कि द एट द एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ वेरी डिस्कशन एंड हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, द कंक्लूजन वाज कि ही इज राइट, यू नो, ही इज राइट। औरतों को थोड़ा सा, आई मीन यू हैव टू अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग का मतलब है कि यू हैव टू ड्रेस इन अ वे वेयर यू आर नॉट सो आउट देयर, सो ओपन एंड चैलेंजिंग अदर पीपल, एग्जैक्टली जैसे।